क्या साइड इफेक्ट्स हैं कॉर्नर प्लॉट्स की अगर गलत दिशा में कॉर्नर प्लॉट ले लिया जाए मान लीजिए तो अकाल मृत्यु सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी इसमें

या साल रहा हूँ मैं ग्यारह सीढ़ियों से नीचे गिरा पर मेरे सर पे आए उसका फोबिया आज भी मेरे सबकॉन्शियस यक्षिणी या, या फिर आपने किसी की सिद्धि कर रखी तो सबसे पहले क्या होता है आपका फास्ट एंड आपका सबकॉन्शियस अगर घर का पहला स्टेप ब्रोकन है तो आपको हर कार्य में जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी हाँ सिर्फ एक टायर लेने से आप एक एस्ट्रोलॉजर या फिर एक तंत्र बन गए इसके लिए आपको एक बहुत डीप स्टडी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर से लोग मैरिज लाइफ हेल्थ पैसा हर एक क्वेश्चन पूछते तो यू नीड डीप स्टडी टायर नहीं स्टडी चाहिए ये एक विद्या है विज्ञान है आप और स्कैनिंग से किसी को ये बता सकते हो कि इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी से इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी ये मैं नहीं बता सकता ये उसका और खुद ही बता देगा कलयुग इसकी बेस्ट योगा जिसके अंदर हमने जाना पर हम सब क्या सोचते हैं और कलयुग बेकार क्यों कलयुग बुरा क्यों है हम लोगों ने बनाया कलयुग की अच्छाइयां सुने क्या कलयुग मतलब कर्युग मशीनों का युग ऐसी कौन सी फाइव मिस्टेक्स हैं जब आप वास्तू विजिट पर जाते हो जो आप देखते हो अक्सर घरों में कमरों के अंदर वंद जी मैं जब इस फील्ड के अंदर आया

तो मैं उसको एक्सेप्ट कर बैठा कि यस इट इज़ अ साइंस रिसर्च करूँ लेकिन जब मैं उसको रिसर्च करा था तो मैं बड़े क्लियर कट और बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड से था कि मुझे ये भूत प्रेत को बस्ट करके ही रहना है लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि ये बोलना काला जादू भूत यक्षिणी प्रेत ये है कि नहीं है इट इज नॉपिक फ है ये है किसकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ मेरे इतने सारे इंसिडेंट हुए माई कंसल्टेशन की मैं इसकी रिसर्च में अपने आप घुसता चला गया मैंने आपके एक पॉडकास्ट में सुना था कि आपको रिसर्च करना ही नहीं था एक्सैक्टली uh, exactly. इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं इतना इतनी मेहनत करो इतना रिसर्च करो <laughs> बिल्कुल जी सो so, मैं अपनी जब लाइफ जब जैसे को होता है ना कि वैन यू आर इन कॉलेज डेज तो मैं तो अपनी लाइफ को सोच रहा था कि मैं तो एक बहुत आराम की ज़िंदगी जीऊँगा एक रेंटल इनकम बनाऊँगा और सोऊंगा सो बिकॉज ऑफ एन एस एन एस्ट्रोलर अगर आपका होमवर्क इतना अच्छा है तो आपको पता होगा सो बिकॉज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर मैंने अपनी एक जमा पूंजी एक जगह में इन्वेस्ट कर दी जो कि ब्लॉक हो गई उसके बाद मैं इसके अगेंस्ट आना शुरू हुआ जब अगेंस्ट आना शुरू हुआ तो मुझे समझ में आई कि ये एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर की गलती थी एस्ट्रोलॉजी की नहीं और मुझे इस सब्जेक्ट ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा और जब वो खींचते रहे खींचते रहे तो वो रिसर्च जो है ना वो ऐसी चीज़ है जो आप सोच के नहीं करते हैं यू आर ड्रिवन इट्स आप घुसते चले गए उसके अंदर हाउ इज दैट पॉसिबल लाइक आपको क्या फील होता था कि आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ खिंचाव महसूस होता था देखिए इतने सारे कॉम्बिनेशन uh, आपकी जनरल लाइफ में आपके साथ चलते हैं कि आप उस पर बिलीव करने में और उसको और फर्दर पढ़ने में आपकी तेजस्वी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ लेट से हमारे सबके बीच में एक ऐसा बंदा होता है जो नेल बाइटिंग करता है फ्रीक्वेंटली आप देखोगे 99.9% इसकी कुंडली में मंगल केतु साथ मिलेंगे मार्स केतु आर सिटिंग टुगेदर ऐसे जातकों के लिए आप बोल सकते हो कि देयर कॉन्फिडेंस कैन बी शेकन वेरी इजीली इनका कॉन्फिडेंस बड़ी इजीली डगमगा जाता है इनको बड़ी जल्दी आप नेगेटिव कर सकते हो क्यों क्योंकि मंगल इज योर एनर्जी और जब मंगल केतु मिलेगा तो दिस एनर्जी इज नॉट बीन ये एक वे में नहीं चलती है क्या yeah. सो so, ये साइंस आपको मिले अर्ली उस टाइम पे जिससे आप ड्राई हुए कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है ये तब मिला जब मेरे पेरेंट्स एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे ग्रेजुअली मैं भी उनके पास बड़े शिद्दत से गया तभी तो, तो मैंने अपनी पूरी पूंजी आप मान सकते हो पूरी पूंजी किसी एस्ट्रॉलॉजर के कहने पे इन्वेस्ट कर दी एंड am सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अगर वो ठीक हो जाती तो आज मैं यहाँ होता ही ना मैंने तो ये सोचा था ना लॉजिकली कि भाई इतना अच्छा वाटर पार्क बन रहा है सामने इतना सब कुछ अप्रीशिएट हो जाएगा मुझे तो इतना रेंट आएगा मुझे क्या नीट दी मैं तो लैंडलॉर्ड बनने की सोच रहा था तो वो नहीं पता था कि लाइफ विल बी चेंज ऐसे ही बंदे जब मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया और मैं एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हुए मुझे कुछ साल हो गए तब भी मैं सोचता था कि ये भूत पिसाज हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया काला जादू कुछ नहीं है ये सब ये सब वीकनेसेस ऑफ द माइंड है और ये कमजोर लोगों की निशानी है सो यू डोंट बिलीव इन सच थिंग्स एट ऑल आई वुड रादर से इट वाज अ टाइम तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये सब्जेक्ट डिबेट का नहीं है बहुत लोग कहते हैं होता है नहीं होता है वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ये जब इनकाउंटर होगा तो पता लग जाएगा खुद ब खुद सो मैं आपके साथ एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ वैसे तो बहुत हैं बट अभी आपने ऐसी बात छेड़ी है तो मेरे एक ऐसा दिमाग में आ रहा है जिसने मेरे दिल दिमाग को हिला दिया डर का एहसास कुछ सेकंड्स के लिए मुझे भी हुआ कि डर होता क्या है सो इट वाज अ नॉर्मल डे और मैं अपनी एक कंसल्टेशन दे रहा था जैसे मैं रेगुलर अपनी कंसल्टेशन देता हूँ तो जब मैंने चार्ट खोला तो मुझे आइडिया हो रहा था कि ये नेटिव के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जब उनके साथ वीडियो कंसल्टेशन हुआ उनके और को मैंने देखा सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का साया तो हंड्रेड परसेंट है चलिए एज वी प्रोसीड हमने एक हम्बल वे में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट किया एक रेस्पेक्टफुली हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मैं उनको कुछ बातें बता रहा था कि कैसे लाइफ को बेटर करना है या कहाँ उनकी कमी है या कौन सा प्लानट उनका खराब है मेरी नजर उनके फेस एक्सप्रेशन ने खींची जहां पर उनका चेहरा थोड़ा सा गुस्से वाला बन रहा था सीधा येस, येस, हाँ बंदा करता है ना जब हम बोलते हैं ओके शी वॉज कंप्लीटली साइलेंट आंखें बड़ी चेहरा हल्का हल्का लाल ये उनके एक कन्वर्जन हो रही थी और बंदे बिलीव मी जब मैं उनके औरक की तरफ या उनके फेस की तरफ देख रहा था तो आई टुक अ पॉज क्योंकि वो मेरे को अपनी तरफ खींच रही थी चीज़ एंड सडनली एक भयानक चेहरा बनाने के बाद वो मुझे बहुत तेज से बोली तू देगा मुझे रेमेडी तू करेगा मेरा क्योर एंड उसके बाद शी का पॉज आई वॉज ऑल्सो क्वाइट फिर उन्होंने मुझे बोला भूल गया जो जीने से गिरा था याद कराऊं क्या वंदित ये ऐसा इवेंट है जब मैं छह या सात साल का राहंगा मैं ग्यारह सीढ़ियों से नीचे गिरा था और मेरे सर पे टांके आए थे उसका फोबिया आज भी मेरे सबकॉन्शियस में है आपने ध्यान दिया एक चीज जब अभी हम ऑफिस के लिए ऊपर आ रहे थे तो मैं स्टेस धीरे चढ़ रहा था मैं जब भी सीढ़ियां उतरता हूं या चढ़ता हूं तो मेरे सबकॉन्शियस में वो फोबिया है तो मैं उसको हमेशा धीरे या प्रिकॉशनली चढ़ता हूं जब भी आपके ऊपर किसी एंटिटी का साया होता है यक्ष या फिर आपने किसी की सिद्धि कर रखी है तो सबसे पहले कैच होता है आपका पास्ट एंड आपका सबकॉन्शियस उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी बट सबकॉन्शियसली मेरी चैंटिंग अपने आप शुरू हो चुकी थी उस समय तक दैट वॉज अ रिफ्लेक्स वो मैंने कुछ सोच के नहीं किया एक होता ना कि भाई अभी मैं अगर इफ आई एम पंचिंग यू तो यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ सेल्फ क्योंकि हम इतनी रेगुलर ये सब चीजें करते तो वो हमारे साथ चलती है तो वो साइमल्टेनियसली मेरे अंदर आना शुरू हो गई दोबारा बोली और इस बार आंखें काफी बड़ी और चेहरा गंगोर कराऊं और सडनली उन्हें ना खांसी आनी शुरू हो गई खांसने लगी लगभग लगभग दो तीन चार सेकंड के लिए वो लगातार खांसती रही का पॉज वो वो भूल चुकी थी कि वो पैच उन्होंने अभी कुछ मुझे ऐसा बोला वो भूल चुकी थी और मैं अच्छे से समझ चुका था कि इनके ऊपर किस चीज का इफेक्ट हो रहा है ते? एक बार के लिए तो घुसबम्ब मुझे भी आ गए थे रोमटे खड़े हो जाते हैं जब आप ऐसे आपके साथ एकदम सामने हो जाए और उसके बाद फिर जब मैं उनके साथ धीरे धीरे कन्वर्सेशन हम आगे बढ़ाते चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इस चीज का एहसास कब हुआ फिर एक चौंकाने वाला सच आया और मेरी रिसर्च और डीप होती चली गई इस फील्ड में उन्होंने बोला मुझे तो बहुत सालों तक पता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ से भी गुज़र रही हूँ जो मुझे फिज़िकली एंड मेंटली एक्सप्लॉइट कर रहा है बोथ वेज में वो सुबह ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे उठती थी तो जैसे एक नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है उनकी मदर इन लॉ ने एक दिन उनको अपने सामने बिठाया और बड़े विनम्र और बड़े प्यार से बोला कि बेटा अच्छी बात नहीं है आपका हस्बैंड चला गया ऑफ़िस आप एटलीस्ट सुबह उठ के उसको ब्रेकफास्ट देना या एटलीस्ट उसको बाय ही कर दो एंड बिकॉज ऑफ सम सैडनेस जैसे होता है ना डिप्रेसिव में उन्होंने अपनी मदर को बोला समझ में नहीं आ रही है, ना आप खुश हो ना वो खुश हैं मेरे हस्बैंड और ना ना वो खुश हैं तो तो उनकी मदर ने बोला, रिपीट तो ने बोला ना आप खुश हो अपने हस्बैंड का नाम लिया ना वो खुश है और ना ये खुश है ये ये कौन और उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं थी बस इतना बोल के वहां की बात खत्म हो गई अब उनके घर वालों ने उन पर नजर रखना शुरू किया और फिर जो एक्टिविटीज उनके साथ होती थी वो उनको पकड़ में आनी शुरू हुई तो उन्हें पता लगा कि been, वो कहते ना कोई एंटिटी ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा है ऐसा तक उन्होंने अपने साथ बताया कि वॉशरूम से बेड तक आती है एंड शी फॉल्स डाउन और एक छोटी सी चोट एक नॉर्मल फॉल डाउन एक प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाती है कहीं ना कहीं बहुत सारे रेमिडीज़ ऐसे में बंदा करता है बहुत सारी जगहों पे वो गई आज विद गॉड्स ग्रेस जब उनका मेरा वार्तालाप हुआ उनको कुछ रेमिडीज दी इट वॉज़ अ टफ टास्क आसान नहीं था कुछ क्योर्स बताए शी इज़ लिविंग अ वेरी हेल्दी एंड अ प्रॉस्पेरस लाइफ लेकिन आज से पहले कई सालों तक उनका एक पर्टिकुलर रूटीन था एवरी अमावस्या वो मेहंदीपुर बालाजी जाती थी और मजे की बात देखिए जब वो मेहंदीपुर बालाजी जाती थी तब वो बिल्कुल ठीक रहती थी इन बट जैसे ही वो क्योंकि गृहस्थ थी जैसे ही वो अपने घर वापसी आती थी अगेन उनके ऊपर वही चीज शुरू हो जाती थी तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्योर होगा कैसे और फिर उनका एक पूरी क्रिया हुई इट वॉज अ टफ टास्क बट आज भी वो डर उनके मन में है और उनका वो चेहरा मेरे दिमाग में बट शी इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ इसके कुछ रिलेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी से जोशी से वास्तु से डेफिनेटली यस डेफिनेटली यस सबसे पहले मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जैसे ही आप एक मैंने उनकी कुंडली खोली तो मैं ये चीज़ कुंडली खोलते ही देख बैठा था कि कुछ तो नेगेटिव एंट्रीज हैं देखिए जब भी ये साया आपके ऊपर आता है या इनफैक्ट अगर आप आज अपनी जनरल बॉडी की भी बात करें तो बीमार कौन पड़ता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है राइट right? बहुत लोग कोविड में जिनको कोविड नहीं हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी इसका मतलब ये नहीं कि कोविड था ही नहीं वायरस तो था तो यहाँ पर भी जिसकी कुंडली के अंदर चंद्र राहु इकट्ठे बैठे हैं चंद्रमा अमावस्या का है राहु इन दी लग्न शनि चंद्र राहु मेनी कॉम्बिनेशन ज़्यादा है और उसके अलावा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है जो भी चंद्रकला नाड़ी बृगुनंदी नाड़ी या कोई भी नाड़ी को प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक अच्छी पहचान है कि वो जब भी एक कुंडली को एनालिस करते हैं तो वो होरा चार्ट यानी कि इस समय के चार्ट को भी जरूर साथ खोलते हैं। उसमें क्लियर इंडिकेशन आ जाती है कि सामने वाले की की इस समय सिचुएशन में करंट परेशानी क्या है ऐसे जातकों के घर में देखो परेशानी तो आती है बट वो चिपक गई उनके साथ कई साल मतलब मोर देन थर्टीन फोर्टीन ईयर्स वो हर अमावस्या दस दिन अपने घर से जाना दूसरी सिटी मेहंदीपुर बालाजी रहना ये कोई टास्क नहीं है बट शी वॉज डूइंग दिस तो ऐसे घरों के अंदर नेगेटिव एनर्जीज बहुत सारी होती हैं एयर फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है नेगेटिव एनर्जीज को सस्टेन करने का उनको रिटेन करने का उनको अपना खाना मिलता है जितना उनको खाना मिलेगा उतना वो स्ट्रांग होंगी है ना तो ऐसे केसेस के अंदर नॉर्थ ईस्ट कवर्ड साउथ वेस्ट खुला ये सबसे भयंकर कॉम्बिनेशन है साउथ वेस्ट के अंदर भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी टॉयलेट तो ऐसे बहुत सारी मिस एंड मैचेस के कॉम्बिनेशन होते हैं जो उस एनर्जी को रिटेन कराते हैं मोरोवर आप कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं अपनी जनरल लाइफ में जिससे कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप काला जादू और नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ावा दे रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं जैसे अपने दरवाजे के पीछे बाथरूम के टॉयलेट के पीछे अगर आपने अपने कपड़े टांग के फ्रीक्वेंटली आप रखते ही रखते हैं तो दरिद्रता आने से आपके घर में कोई नहीं रोक सकता आजकल मैं एक चीज देख रहा हूं बहुत सारे लोग क्योंकि महंगे कपड़े खरीदते हैं एक्सपेंसिव हो गए हैं ब्रांड्स हो गए हैं तो वो क्या करते हैं अपने कपड़ों को उल्टा करके अपनी अलमीरा में डाल देते हैं और वो कहते हैं कपड़े खराब नहीं होंगे बहुत बढ़िया इससे आप अपने शुक्र को बर्बाद कर देते हैं नए कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं बचेंगे तो वही काम आएंगे ना तो ये आपकी कॉमन मिस्टेक्स हैं और सुनिए आप ऑफरली ये चीज सुनते हैं कि नमक वाला पोछा लगाना चाहिए विच इज विच इज ओके लेकिन लोग इसको एडवांस करना शुरू हो गए उन्होंने क्या किया अपनी डेहलीस पे अपने रूम्स की डेहलीस पे नमक को डालना शुरू कर दिया लाइन फॉर्मेट्स में अरे आप एनर्जी के फ्लो को को ही रोक रहे हो इंटरचेंज होने दो ना हवा कोई को रोक पाया है क्या हवा तो किसी के हाथ में नहीं आती है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं हम क्यों एनर्जी का फ्लो रोक रहे हैं लेट इट फ्लो आप आपके घर का पहला स्टेप जिसको हम पहली सीढ़ी बोलते हैं इफ इट इज ब्रोकन टूटी हुई है आंखें बंद करके प्रेडिक्ट कर दो और बोल दो कि यहां रहने वाले जातकों को एक्सेस स्ट्रगल करना ही पड़ेगा इनको प्रोफेशन में सक्सेस नहीं मिल सकता या बहुत समय तक ये रहेंगे। क्या बात बोली अगर घर का पहला स्टेप ब्रोकन है तो आपको हर कार्य में जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी दी रीजन बींग आपने शनि राहु को मिला दिया शनि राहु राहु क्या मल्टीप्लायर शनि क्या ठंडा तो आपने अपने प्रोफेशन अपनी मेहनत अपने कर्मों को ऐसी जगह में डाल दिया कि वो बर्फ लग जाते हैं तो वो ठंडा हो गया तो ये छोटी छोटी दिखते हैं जिनको आपको ध्यान देना है ऐसे ही आप एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी मार्केट में अवेल हो रही है जो चल रही है मार्केट में वो चल रही है कि क्या भूत प्रेत और पेशाच ये एक ही है या इनमें कोई डिफरेंस है अब इनमें क्या डिफरेंस है बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद समझ में आ जाएगी और कैसे हम एक जनरल लाइफ में हम इस चीज़ से डर के तो जिंदगी नहीं जी सकते अब आने वाले समय में बहुत सारे वायरसेस और वेलकम्ड हैं बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कितनी बीमारियां फैल रही हैं तो हम क्या करें जिंदगी जीना छोड़ दें हम उसके प्रोटेक्शंस जितनी मैक्सिमम ले सके वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है तो मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताता हूँ जिससे कि आप रेगुलरली अगर दस मिनट भी दे देंगे ना तो बिलीव मी तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले एक मेजर चीज डिफ्रेंसिएशन क्लियर करता हूँ कि काला जादू और ये किसी का साया जिसको हम यक्षिणी यक्ष बोलते हैं इनमें डिफरेंस क्या है तो एक बड़े सज्जन व्यक्ति मेरे पास आए और इम्पल्सिव uh, थे सीधा आती बोला सर मुझे कुछ नहीं पूछना है बस मुझे अपनी एक परेशानी बतानी है मैं जब भी रात को सोता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी ने जकड़ लिया है और मेरी चेस्ट में और मेरी पेट में बहुत ज़्यादा पेन होती है ऐसी वाली इंटरनल पेन नहीं जैसे कि किसी ने अपने हाथों से एम्ब्रेस कर लेते हैं और बहुत कस के जकड़ लिया और जैसी मेरी नींद खुलती है मैं ठीक होता हूँ बट वो पेन अनबेरेबल होती है तो मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं या तो मैं रात सोना छोड़ दूँ या मुझे इसका क्योर बता दीजिए तो मैंने उनको बीच में रोका और ऐसे केस में बंदे का ध्यान कहां जाता है मेरे ऊपर कोई साया है क्योंकि क्लोज है ना ये सारी चीज़ें मैंने दो मिनट लिए उनकी कुंडली नालिस करी अपनी एनर्जीज़ को यूज़ किया और उनसे सिर्फ दो बातें बोली कि आपके पास जो भी ये चीज़ आपको परेशानी शुरू हुई है ये वाटर एलिमेंट की वजह से हुई है हमारा शरीर पाँच तत्वों से बना है ये वाटर एलिमेंट की वजह से आपके ऊपर ये चीज़ जो भी आप करें उस वजह से हुई है और ये काफ़ी लंबी और पुरानी परेशानी है आपकी yes. फिर हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई बातें करते करते पता लगा जी एम्स दिल्ली मैदानता आप हॉस्पिटल का नाम लीजिए वो वहां जाके सारे टेस्ट करा चुके हैं कुछ नहीं समझ में आया डॉक्टर्स आर क्लूलेस सारे सब कुछ है ही ठीक फिर एंड ऑफ द डे क्या आता है दिस्ट के पास जाओ और एक गोली खा लो छोटी सी आती है दिमाग भी सुन नींद भी आनी शुरू हो जाएगी उन्होंने कुछ समय वो भी ट्राई कर ली बोले अभय जी ये उस समय में भी मुझे इफेक्ट करती है नींद में अब मैंने उनको बोला कि मुझे कोई इवेंट बताइए किसी घटना के बाद चेंज हुआ है सो लेट्स कम टू द रूट कॉज अब चौंकाने वाली बात सुनी है पंजाब में रहते हैं बोले मैं अपने घर के बाहर खड़ा था गाड़ी बाहर निकाल रहा था ब्रदर मैं उसकी वेट कर रहा था घर के बाहर खड़ा था तो एक साधु के जैसे साधु होते हैं वैसे एक बाबा जा रहे थे और रुक गए और बोले बच्चा जा पाँच सौ एक रुपये दक्षिणा ला ये वो अपनी बात बता रहे थे अर्ली टू थाउजेंड्स की टू थाउजेंड एक टू दो हजार दो, दो में पाँच सौ एक की दक्षिणा बहुत बड़ी बात होती है आज भी है उस समय में बहुत बड़ी थी जा बच्चा पाँच सौ एक रुपये दक्षिणा दे तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला बाबा जी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कॉमन मैन यही करेगा बिल्कुल यूथनेस में थे स्ट्रांग थे तो बोले बाबा जी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास जा बच्चा आज बाबा बहुत खुश है जो बोलेगा वो मिलेगा जा पाँच सौ एक की दक्षिणा लिया तो उन्होंने फिर वही बात रिपीट करी कि बाबा इतनी दक्षिणा तो नहीं है बोले अच्छा चल जा पानी पिला दे आ गया वाटर एलिमेंट yeah. अब वो अंदर चले गए पानी लेके आए बाबा को पानी पिलाया बाबा ने आधा ग्लास पानी पिया और उतनी देर में ही उनके मन में पता नहीं क्या उन्होंने कुछ सिक्के अपनी पॉकेट से निकाल के बाबा के हाथ में दे दिए बाबा पानी आधा ग्लास उनके हाथ में वापसी पकड़ाया सिक्कों को यूं घुमाया और कह रहे हैं कि अभी जी बिलीव मी उसने कोई कपड़ा ऐसा नहीं पहना था कि उसने कुछ चेंज किया सिक्कों को यूं घुमाया और मेरे हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के ऐसे बंद करके ताबीज अंदर बंद कर दी ऐसे हाथ से और खोल के बोला जा इसको अपने गले में पहन ले जो मांगेगा वो मिलेगा और बाबा को जीवन भर भूलेगा नहीं तू बाबा को ढूंढता ढूंढता आएगा जो चाहिए वो मांग ले इसको गले में पहन ले इसको कभी अपने से अलग मत करियो ये बोल के धीरे 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 बाबा चलता चला गया और उनकी आंखों से ओझल हो गया थोड़ा सा बंदा स्टंड हो जाता है ऐसी एक्टिविटी देख के कि मैंने तो कुछ क्विंस दिए थे ये कैसे कन्वर्ट हो गया ताबीज में बट एज जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया उन्होंने वो ताबीज वहीं कहीं बाहर ऐसे बंदा जैसे रख देता है फेंक देता है उन्होंने फेंक दिया और घर के अंदर आए और गिलास के पानी को अंदर गार्डन की तरफ फेंक दिया अब घर के अंदर वही पानी है जिसके जिसके बारे में वार्न किया गया था एग्जैक्टली वाटर एलिमेंट बोला था ना अब उन्होंने वो अंदर फेंक दिया और उनके वर्डिंग्स से अबे जी वो मेरी लास्ट नाइट थी जब मैं अच्छे से सोया एवरीडे हल्का-हल्का एहसास मुझे उसका होना शुरू हो गया एवरीडे 40 दिन के अंदर-अंदर वो कंप्लीटली एक ऐसी सिचुएशन में थे जो वो किसी को भी एक्सप्लेन करते थे तो लोग उन पर हंसते थे वो जिस डॉक्टर पे जाते थे बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट एरियाज जहाँ पर भी वो जाते थे साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे वो उनसे पूछते थे बचपन की कोई घटनाएं बताओ अरे यार मैं पागल नहीं हूँ भाई तो साइकेट्रिस्ट बोलते थे कि नहीं नहीं बी बिकल जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल ही आते हैं तो वो जैसे डॉक्टरी लैंग्वेज में उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे जब यह चीज नहीं मिली तो ऐसे में कॉमन मैन क्या करता है वो कहीं ना कहीं से तांत्रिक या कोई ऐसे टाइप के लोग ढूंढते हम, हम ये गलती करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जिनका अटायर ऐसा है जिसने कपड़े पर्टिकुलर कलर के पहने हुए हैं हाथों में चेन माला पहनी हुई है यही हमें क्योर करेगा आज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो वो छे सात साल पढ़ाई करके एक पर्टिकुलर एरिया का स्पेशलाइज डॉक्टर बनता है उसके बाद एक्सपीरियंस करता है फिर जाके वो एक नामी ग्रामी डॉक्टर बनता है आज सिर्फ एक अटायर लेने से आप एक एस्ट्रोलॉजर या फिर एक तांत्रिक बन गए इसके लिए आपको एक बहुत डीप स्टडी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर से लोग मैरिज लाइफ हेल्थ पैसा हर एक क्वेश्चन पूछते हैं तो यू नीड ए डीप स्टडी अटायर नहीं स्टडी चाहिए ये एक विद्या है विज्ञान है इसमें घुसना पड़ेगा और इसको पूरा डीप रिसर्च करना पड़ेगा तो वो वहां के अपने बेस्ट जो भी तांत्रिक थे उनके पास गए उन्होंने उन्हें क्योर भी किया बट वो क्योर उनका सस्टेन नहीं रहा ऐसा क्यों कुछ दिन चलता था और कुछ दिन के बाद फिर से ही रिज्यूम्ड विद दी सेम वही चीज उनकी रिज्यूम हो जाती थी, थी बार बार और वो कहते हैं कि जितनी बार मैं तांत्रिक के पास क्योर कराने जाता हूं मुझे नहीं पता बट उस तांत्रिक की प्रतिमा उसकी फोटो तो मेरी आंखों के आगे आ जाती है ऐसा कि अगर आप मुझे पेपर दोगे मैं वेरी बैड इन ड्राॅइंग ऐसा उन्होंने बोला लेकिन अगर आप मुझे पेपर दोगे तो मैं बिल्कुल बना दूंगा वो कौन थे इतनी ज़्यादा छाप उनकी मेरे आंखों के आगे आ जाती है बहुत जगहों में गए नहीं इलाज मिला फिर फाइनली जब ये केस आया तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि आपका इलाज ऐसी जगह में हो सकता है या उस क्रिया से उस पर सात्विक तंत्र और स्वयं ठाकुर जी परमात्मा की एनर्जीज कंबाइंड हो वहीं आपकी क्रिया वहीं आपका इलाज होगा ऐसी कौन सी जगह है तो अब देखिए करवा रहे हैं उनका इलाज विधि गॉड्स ग्रेस परमात्मा उन पर कृपा बेछाए और वो इस चीज से जल्द बाहर आए यहां पर वंदित हमें यह चीज समझनी है कि हम इन चीजों से डर के मैंने ये बात बोली अब कोई भी बाबा आएगा तो आप क्या पांच सौ एक रुपया दे देंगे या आप क्या करेंगे उन्हें कुछ नहीं देंगे उनकी वो आपकी मर्जी है बट आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए ना कि आपको ये एनर्जीज इफेक्ट ना करें क्या आप और स्कैनिंग से किसी को ये बता सकते हो कि इसके ऊपर नेगेटिव से इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी ये मैं नहीं बता सकता ये उसका और खुद ही बता देता है यू स्टार्ट टू फील अनकम्फर्टेबल आपके जब मैंने आपको वो बताया जिनको मैं कंसल्टेशन दे रहा था और वो रुक गई बीच में बोलते बोलते क्योंकि सब कॉन्शियसली मेरी चांटिंग शुरू हो गई आपने कहा था ना कि आपने उसका और देखा था उस टाइम पे तो क्या और थ्रू सब easily, बताया जा सकता है Easily और खुद ही बता देता है हमें नहीं पढ़ना आपको अगर और पढ़ना पड़ पढ़ रहा है तो इसका मतलब यू आर नॉट फ्लुएंट इन दैट फिर आपके कमांड ही नहीं है फिर आपकी कमांड नहीं है और एक ऐसी चीज है जो फील होती है मैंने जब वंदित एस्ट्रोलॉजी सीखी थी ना तो उस समय में ना ये सॉफ्टवेयर्स नहीं थे तो मैं मैनुअली सीखता था कैलकुलेशन करके और मेरे गुरु ऐसे थे कि अगर मैं दो मिनट लेट हो जाता था ना दो मिनट तो मुझे बोलते थे आज की क्लास नहीं होगी अब ऐसे में मैं आरोगेंट भी हो सकता था बट मैं उनके चरणों पर बैठा रहता था बातें करूंगा आपके साथ और वो भी मेरे साथ बातें ही करते थे पढ़ाते नहीं थे लेकिन उनकी कही हुई एक दो बातें उस समय में इतनी काम की होती थी जो शायद क्लास में नहीं होती थे तो जब भी आप और रीडिंग की बात करें एस्ट्रोलॉजी की बात करें वास्तु की बात करें या एनर्जीज की बात करें अगर आप कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी आपका वो कमांड नहीं आया आपको वो हिट करनी चाहिए चीज अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ यहां का और नेगेटिव है या इस बंदे का और ऐसा है कि ही प्रोन टू नेगेटिव एनर्जीज उसको आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रेमेडीज पहले ही दे दोगे जैसे कि एक डॉक्टर पहले बोलता है कि आयन विटामिन खाओ खुद से नहीं खा सकते हैं कैल्शियम खा लो खुद से स्टोन हो जाएगा तो, है ना इसलिए okay. इन सबसे वास्तु का क्या रिलेशन है देखिए वंदित नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर आ गई लेकिन उसको पालना उसको पनप देना आपके घर की या आपके ऑफिस जहां आप ज्यादा समय रहते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपने स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई थी ठीक है बट उसके पीछे का साइंस क्या हम लोग ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप ये बात समझें तो इंडिया की बात अभी मैं करूँ क्योंकि अमेरिका के सर्टन पार्ट में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है ठीक है इंडिया के एमोस्फेयर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज द डेक्शन जहाँ से हमको एनर्जीज का फ्लो आता है और साउथ वेस्ट में जाके एक्यूमिलेट होता है अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को ही बंद कर दिया ठीक है आपने नॉर्थ ईस्ट को ही हाई कर दिया और साउथ वेस्ट को खुला कर दिया तो क्या होगा उल्टा रिवर्स जहां पर एनर्जीज एक्यूमलेट होनी चाहिए वहां से आपकी एनर्जीज जो है वो बाउंस बैक करके मारेंगी और कोई भी चीज जो बाउंस बैक होके आती है वो झूठी हो जाती है बट अक्यूमुलेट कैसे हो रहा है साउथ वेस्ट जो है जब अगर आप हमारा आ, एक इंडियन हेमस्फेयर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, वो साउथ वेस्ट में इसलिए क्योंकि ये वो समय है जिस समय में सन हमारे यहां पर नहीं होता सन इज सेट और जब सन सेट होता है उस समय में जो एटमॉस्फेयर, आपको पता है नींद क्यों जरूरी होती है साइंस ने आप प्रूव की है रात को सोना बड़ा जरूरी है जितने लोग ये कॉल सेंटर्स की जॉब कर रहे हैं इनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ और डिप्रेशन 90 परसेंट केसेस में आपको मिल जाएगा या एडिक्शंस रीज़न बीइंग रात के समय में ना हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं एटमोसफेयर कूल डाउन हो जाता है चीज़ें ठंडी होती हैं तो जब ठंडी होती है ना तो मूवमेंट स्लो तो होता है उस समय में एक्यूमेशन ज़्यादा होता है इकट्ठा ज़्यादा होता है आप जानते हैं बात कि जितनी भी ये काली विद्याएँ या सिद्धियाँ या काला जादू ये अमावस्या के समय क्यों बताई जाती है अगर आप कोई हॉरर मूवीज़ भी देखते हो उसमें भी बताया जाता है अमावस्या की एक रात क्योंकि अमावस्या ये भी रात्रि और कुछ अन्य रात्रि भी बताई गई जैसे कि शिवरात्रि जन्माष्टमी ये स्पेसिफिक रात्रियाँ जिस समय में कॉस्मिक एनर्जीज अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई होती हैं ऐसे समय पे जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं चैंटिंग करते हैं उस पर कीलक कीलक समझते हैं कि परमात्मा ने कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं ऐसे ही आप किसी मंत्र की सिद्धि कर लेंगे और आपको मिल जाएगी इट इज़ नॉट अ टॉपिंग ऑन द केक तो वो कीलक नहीं होता है उस समय पे आप उस चीज को सिद्ध कर सकते हो अगर ऐसे समय पे आपके बाल नेल्स कपड़े सलाइवा एक्सक्रीशंस या आपका कोई भी खान पान ये किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए 90% परसेंट केसेस में 90% परसेंट केसेस में काला जादू अपना ही कोई करवाता है जिसको आप मृत्यु तुल्य कष्ट तक लोगों को पहुंचा दिया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स वो तो आप जानते ही हो ना पैसा फीमेल ये वाले फैक्टर्स टेन परसेंट केसेज में जो इनके केस में हुआ जो मैंने आपको सुनाया कि सडनली आप जा रहे हो एंड यू कॉट वायरस आपने वायरस को कैच कर लिया ठीक है तो ये रात्रियों के अंदर आपकी कॉस्मिक एनर्जीज की वजह से अगर ये चीज़ें किसी के हाथ लग जाए तो वो आपका बहुत भयंकर मिस यूज़ कर सकता है आप कहीं और होंगे क्योंकि ये कौन सा सामान है जो कि ईजिली डिस्पोज ऑफ़ नहीं होते हैं. बाल को सबसे सब ज़्यादा समय लगता है ड्यूट होने में अर्थ में नेल्स को भी ठीक है तो ये चीजें जल्दी कन्वर्ट होती है रीजन रात को ही क्योंकि इनर्जीज फ्लो ऑफ एयर कम होता है ठंडा होता है ना उतनी बैठती हैं चीज़ें इसीलिए साउथ वेस्ट के समय साउथ वेस्ट को इसलिए वो चीज़ बोली गई कि ये वो समय माना जाता है जिस समय में सनराइज हमारे यौके हमारे ऑपोजिट कॉन्टिनेंट में होता है अर्थ की दूसरी साइड इस समय में जो भी एनर्जीज आपने दिन भर में इकट्ठी की होती हैं आप एक लेम लैंग्वेज में समझ लीजिए दिन भर पैसा कमाते हो उसको सेव करने का समय है यह वाला टाइम यह वाली डायरेक्शन आपके एक्यूमुलेशन की है और अगर आप थोड़ा सा वाइज चलेंगे टेक्निकल चलेंगे तो यह आपके पितरों का स्थान माना गया पितर मतलब आपके इंसिस्टर्स शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप आज हम मैं कोई भी हमारा वजूद हमारे पितरों के बिना नहीं है तो ये उनका स्थान माना गया जो भी हमारी अंदर की सोच हमारे संस्कार ये उन्हीं से ड्रिवन होते हैं ठीक है तो ये इसको क्या बोलते हैं एक्यूमुलेशन इसको हम कभी भी खुला ओपन या इसको कंपैरेटिवली टू नॉर्थ ईस्ट जहाँ से फ्लो ऑफ एयर एनर्जी वाइज बहुत हाई रहता है उसको हम छोड़ नहीं सकते रीजन यहाँ के देवता कौन है एक काइंड के राक्षस और नॉर्थ ईस्ट के कौन है शिवा ईशान ईशान कौन बोलते हैं तो आप क्या चाहोगे कि आपको बुद्धि आए, ये चाहोगे ना yeah. हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे और कोई क्वेश्चन को बार बार गलत करते थे हमारे टीचर गुस्से में क्या बोलते थे अरे इसकी बुटनी इसकी बुद्धि जो है वो घुटनों में है एडी में है तो साउथ वेस्ट इज दैट डिरेक्शन फीट तो वहां से आप नृत्य की एनर्जी कभी नहीं चाहोगे आप हमेशा ईशान की एनर्जी चाहोगे पॉजिटिव एनर्जीज चाहोगे बट दिस इज बिकॉज़ ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इन व्हिच कंट्री वी आर स्टिंग उनके लिए डिफरेंट होगा जो यूएस में, में होगा राइट okay. कॉमन नहीं होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया ठीक है ऐसी कौन सी फाइव मिस्टेक्स हैं जब आप वास्तु विजिट पर जाते हो जो आप देखते हो अक्सर घरों में कमरों के अंदर अलमारीज बना के उस अलमीराज के नीचे जो वो ड्रॉर्स डालते हैं उसमें खूब सारे जूते रख देते हैं बहुत बढ़िया जितने जूते रखोगे उतने जूते पड़ेंगे ऐसा क्यों क्यों सक्सेस नहीं मिलेगा रूम क्या है? कमरा क्या है है कमरा कमरा इज योर मंगल एंड बेड इज योर वीनस बेड वीनस होता है कमरा मंगल होता है क्यों मंगल क्यों क्योंकि यू रिजुविनेट योर एनर्जीज आप दिन भर का थकते हो अपने कमरे में आते हो आपकी एनर्जीज रिजुविनेट होती है आप ताकत गेन करते हो आप एक्सेसिव शनि वहां डाल दोगे तो आपकी एनर्जीज वेस्ट ही जाएंगी नो no एप्रिसिएशन आप थक जाएंगे ये बोल बोल के कि मुझे जीवन में नहीं मिलता मैं तो बहुत अच्छे से काम करता हूं बट आई डोंट गेट दिस इज वन ऑफ द रीजन दूसरी गलती आप घर के साउथ डायरेक्शन में भर के शीशे लगा दीजिए आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता और ये मुझे फ्रीक्वेंटली मिलता है बड़ी गाड़ी रखी हुई है इंप्रेस मत तो होइएगा अंदर जाइए बात कीजिए और ये बात बोल दीजिए कि कितना लोन है उनकी सच्चाई अपने आप अप सामने आ जाएगी लोन उतरता नहीं है साउथ डायरेक्शन में शीशे नहीं लगाने घर के साउथ में या घर के साउथ घर घर के साउथ साउथ में की दिशा यहाँ पर आपको एक और बहुत खासम खास चीज का ध्यान रखना है लोग जनरली <coughs> कंस्ट्रक्शन करते समय किचन की और वॉशरूम की वॉल कॉमन कर देते हैं बहुत गलत अपने ड्राइंग रूम के अंदर मंदिर रख देते हैं ड्राइंग रूम के अंदर आप मंदिर नहीं रख सकते आप थोड़े से गॉड्स रखिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे भगवान रखने बट उनके प्रॉपर स्थान दीजिए ऐसी जगह में करिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मुझे वास्तु के दौरान मिली है वो ये मिली है कि लोग बहुत ज्यादा शो पीसेस गलत एलिमेंट शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लेपड मुंह खोला हुआ शेर धारता हुआ शिकार करता हुआ इसकी पिक्चर्स अपने घरों में रखते हैं इसको आप अपने ऑफिस में रखिए इन पेंटिंग्स को। घरों में नहीं उससे क्या होने वाला है ऑफिस में इसलिए क्योंकि टेक्निकली हमें कस्टमर खाना है या कस्टमर चाहिए है ना आप देखेगा बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल गुरुज वास्तु के सिखाने वाले टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो क्लास लेते समय अपने पीछे शेरों की फोटो लगा देते हैं क्योंकि माना जाता है हमें कस्टमर चाहिए भाई वी आर इन दिस वर्ल्ड मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं कलयुग इज बेस्ट योगा जिसके अंदर हमने जन्म लिया है और हम सब क्या सुनते हैं घोर कलयुग बेकार क्यों कलयुग बुरा क्यों है हम लोगों ने बनाया कलयुग की अच्छाइयां सुनेंगे आप कलयुग मतलब कर युग मशीनों का युग यहां पर हमारे पास सुख सुविधाएं हैं आज आप और मैं बात कर रहे हैं कितनी दुनिया हमें सुन पाएगी थ्रू दी मीन्स ऑफ मशीन्स कलयुग इज वेरी ब्यूटिफुल यहां तक कि परमात्मा ने भी हमें ट्वेंटी ट्वेंटी दे रखा है इस जीवन में उन्होंने बोला सिर्फ दस मिनट आप मेरा स्मरण कर लीजिए आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जबकि बाकी युगों में आपको घंघोर तपस्या करनी पड़ती थी या तो आपको सिर्फ दस मिनट करने हैं किसी टाइप का भी काला जादू ब्लैक मैजिक से डर है जेलस वाल है आप चंडी चालीसा दुर्गा कवच अगर नित्य नियम कर ले पंद्रह मिनट से ऊपर नहीं लगेगा नहीं पढ़ पाते हैं संतालीस श्लोकों की होती है दुर्गा कवच नहीं पढ़ पाते हैं, तो सुन लें हंड्रेड परसेंट गारंटी दे रहा हूं नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपने जो कॉम्बिनेशन पूछे थे उसमें मेन प्लान डिस्टर्बिंग है सैटन एंड राहू उन्हीं को आपने शांत कर दिया कैसे बनेगी बात जिन लोगों को अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास फ्लक्चुएशन होते हैं इज बहुत सारी इसमें रिसर्चेस भी चल रही हैं, ऐसे लोगों को एवरी अमावस्या एवरी पूर्णिमा सुबह के समय सुबह छह बजे से दस बजे के बीच बीच में टेन ए एम के बीच बीच में मीठा दूध पीपल के पेड़ पे चढ़ाना चाहिए okay. अपने ईस्ट को याद करते हुए मीठा दूध को चढ़ाएं सिर्फ महीने में दो दिन देने हैं आपने देख लीजिए रिजल्ट तो कहीं ना कहीं हमें ट्वेंटी ट्वेंटी करना है कल को खराब किसने किया वेब सीरीज सीरीजॉन नेटफ्लिक्स के साथ नहीं देख सकते खराब किसने किया फास्ट फूड आप क्या कर रहे हो आप दूध के अंदर नमक डाल रहे हो दूध दही को मिला रहे हो शुक्र चंद्र को ही मिला दिया दूध दही मिला दी शुक्र चंद्र शुक्र और चंद्रमा मिलाने से क्या होगा कैंसर हेल्थ इश्यूज डाइजेस्टिव इश्यूज क्यों क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी को वीक कर लिया और उसी के साथ आपके संस्कार खराब हो जाते हैं इमोशंस डिसबैलेंस हो गए पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये कई गलतियां जो मुझे लगता है कि हम कलयुग में कर रहे हैं जिस वजह से यह खराब है और उसके बाद लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे तो किसी ने काला जादू कर दिया फिर मैं उनसे सिर्फ रूटीन पूछता हूँ और ये सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं ऐसे ही ईजिली काला जादू नहीं हो सकता जिसको करना है उसे भी तो कितना सिद्ध होना चाहिए वो जगह वो एरिया चाहिए

हमारे पे नहीं छोड़ते हैं सीधा के बोल देते हैं मेरे पे तो किसी ने कुछ किया है तो मैं उनको क्लियर करता हूँ ये किया है या आपके पर्टिकुलर प्लानट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आपके दिमाग में सोच ऐसी बना रहा है कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं थोड़े से एफर्ट्स और हम इस कलयुग के अंदर शायद बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं अभी जी मेरे को ना कुछ सवाल हैं जी शायद कुछ पर्सनल सवाल भी हों इसके बीच में <laughs> सोने की डायरेक्शन बताई जाती है अक्सर घर में उसका मैं आज तक लॉजिक नहीं समझ पाया कि आप कौन सी डायरेक्शन में सोओगे उससे आपको नींद अच्छी आएगी सुबह फ्रेश उठोगे उसके और सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे सो so, जब भी हमें सोना चाहिए और अपर बॉडी शुड ऑलवेज फ़ेस टूवर्ड्स दी साउथ सेकेंड इफ़ नॉट पॉसिबल देन टूवर्ड्स द ईस्ट बस यही दो दिशाएं बताई गई जब भी आप सोएं ऑलवेज फेस टू वर्ड्स दी साउथ बिकॉज हमारी जो अपर बॉडी है दिस इज़ नॉर्थ और हमारी जो लोअर बॉडी है दिस इज साउथ हम ऐसे डिवाइड करते हैं नॉर्थ ऊपर का हिस्सा साउथ नीचे का हिस्सा तो वो कहते हैं ना कि ऑलवेज सेम डायरेक्शंस जो होती है वो एक बार के लिए रिबेल करती है ऑपोजिट अट्रैक्ट करती है तो जब आप साउथ दिशा के अंदर सर रख के सोते हो तो आपका नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ चला गया मैं आपको एक प्रूवन फैक्ट दे सकता हूँ आप इसको आजमा लीजिए और मैं हंड्रेड परसेंट बोल सकता हूँ ये बिल्कुल करेक्ट निकलने वाला है फेस टू वर्ड्स दी नॉर्थ नॉर्थ की तरफ सर रख के सोइए तीन महीने के लिए अपना ब्लड प्रेशर मेजर करा लीजिएगा पहले दिन और उसके बाद नब्बे दिन के बाद अपना ब्लड प्रेशर करा लीजिएगा आपको ब्लड प्रेशर अपना हाई ही मिलेगा बीपी हाई ही मिलेगा करा के देख लीजिए सो बेस्ट डायरेक्शन इज साउथ एंड देन इफ नॉट पॉसिबल द ईस्ट वर्स्ट डायरेक्शन टू स्लीप इज नॉर्थ एंड वेस्ट दोनों अच्छी नहीं है क्या? दूसरा सवाल ये था कि घर का जो गेट होता है वो अक्सर डिबेटेबल टॉपिक रहता है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें होना चाहिए सेंटर होना चाहिए कॉर्नर होना चाहिए मान लो एक घर है घर के सेंटर में से गेट निकालना है या कोने में से गेट निकालना है चाहे घर अच्छी डायरेक्शन में तब भी ये डिबेट का टॉपिक रहता है और घर अगर लेना है तो कॉर्नर घर लेना है बीच में घर लेना है ये इतना ज़्यादा टॉपिक चर्चा में रहता है ना बिकॉज अगर आज आप प्रॉपर्टी लेने जाओ आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तुशास्त्र में विश्वास रखता है यह हंड्रेड टेन परसेंट डिबेट का टॉपिक रहता है कि यार यह घर नहीं लेना है इसका नंबर अच्छा नहीं है ठीक है आता है है आता साउथ फेसिंग घर है, वो नहीं लेना है मेरे को तो इसको आप ना थोड़ा क्लियर करो ऑडियंस के लिए सो so, जी सबसे पहले वास्तु का आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देर आर मेनी मिथ्स रिलेटेड टू दी वास्तु मैंने नॉर्थ फेसिंग हाउस के अंदर भी इतनी नेगेटिव ऊर्जा देखी है कि आदमी को करोड़पति से बहुत ज़्यादा लोन के नीचे दबा हुआ देख लिया नॉर्थ फेसिंग तो फ्लैटली बहुत अच्छा माना जाता है तो सबसे पहले ना ये चीज़ आपकी कुंडली और आपकी डेट ऑफ बर्थ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ये चीज़ कॉमन होती चली जा रही है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू स्टडी मोर इन टू दिस सब्जेक्ट विच इज़ वेरी गुड एज वेल तो मैंने क्या देखा कि मेरे क्लाइंट थे उनके ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगे हुए थे और उनकी नॉर्थ डायरेक्शन में भी बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगे हुए थे विच इज़ टेक्निकली करेक्ट आप लगा सकते हैं लेकिन जब मैं गया तो मैंने उनके ये जो नॉर्थ वाले प्लांट्स हैं ये सारे के सारे हटवा दिए मैंने बोला आई डोंट वांट एनी ग्रीन प्लांट इन नॉर्थ डरेक्शन आई डोंट वांट एनी ग्रीन प्लांट इन दी ईस्ट डरेक्शन और वो स्टंड हो गए उन्होंने क्यों हटा दिए ये तो सारे वास्तु वाले बोलते हैं क्योंकि पर्टिकुलर उनकी कुंडली उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी तो पहला फैक्ट अगर आपको एक डीप इसकी बेस में जाना है तो आपको कुंडली पड़नी ही पड़ेगी बट अगर आप मेरे से एक जनरलाइज्ड पूछते हैं तो देखिए सबसे पहले एंट्रेंस कहाँ की होनी चाहिए एंट्रेंस घर के किस कोने में आ रही है इसका कोई लेना देना नहीं है एंट्रेंस के सही या गलत होने से सबसे पहले हर डायरेक्शन में सिर्फ हमें दो दो पद आठ पद होते हैं एट डिविजन्स में बांटा जाता है एक डायरेक्शन को सिर्फ दो दो पद ही मिलते हैं हमें डायरेक्शन के लिए इसके लिए आपको एक ग्रिड मैप बनाना पड़ता है जिससे आपकी आप एग्जैक्ट डायरेक्शन पता लगाते हैं कि घर की फेसिंग क्या है सो so, एंट्रेंस हो सकती है है मेन नॉर्थ। नॉर्थ जो होता है, degree, 90 degree, 180 degrees, रही है। और उसी के पास चाहे वो कोने में पड़ेगी उसी के एक पद पीछे कई केसेस नॉर्थ में आपको तीन पद मिलते हैं ईस्ट में आपको दो वेस्ट में दो साउथ में दो वहीं उन्हीं पदों में ही आप मेन एंट्रेंस लगाओगे चाहे वो कोने में आए घर के कॉर्नर में सेंटर में या ना ही कॉर्नर ना ही सेंटर तिछी आ जाए इधर से थोड़ी सी दीवार छोड़ के आ रही है तो आप सुंदरता नहीं देखोगे आप एंट्रेंस को वहीं रखोगे एंट्रेंस का बहुत रूल होता है तो आप उसको वहीं रखोगे ये फ्लैट रूल निकाल देना कि एंट्रेंस कॉर्नर में रहेगा या सेंटर में रहेगा ये सही नहीं है तो वहीं एंट्रेंस होना चाहिए कॉर्नर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट के अंदर आपको ये चीज देखनी है कि कॉर्नर वो किस साइड से मार रहा है इतना तो आप भी अब समझ गए हैं कि नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शंस खुली होनी चाहिए तो आपने ये देखना है कि वो कॉर्नर कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है क्या वो ऐसी डायरेक्शन से तो नहीं आ रहा जिसको हम ओपन ज्यादा नहीं रख सकते चलिए आ भी रहे तो उसके सामने कितनी रोड जा रही है कितने फीट की रोड है आप जो प्लॉट बना रहे हैं वो कितनी हाइट का बना रहे हैं एक फ्लोर दो फ्लोर चार फ्लोर बारह फ्लोर बीस फ्लोर उसके मल्टीप्लिसिटी में जो रोड है उसके साथ वाली बिल्डिंग कितनी ऊंची बनी हुई है तो इससे कैलकुलेट करके आप यह निकाल सकते हैं कि कॉर्नर प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्या साइड इफेक्ट्स हैं कॉर्नर कॉर्नर प्लॉट्स के अगर अगर गलत दिशा अच्छा में प्लॉट ले लिया है मान लीजिए तो अकाल मृत्यु सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी इसमें दैट टू ऑफ द अर्निंग एंड ऑफ द फैमिली जरूरी नहीं है जी कि हेड ऑफ द फैमिली फैमिली जिससे कि आपकी बैक बोन टूट जाए बैक बोन तोड़नी है ना कमाने वाला गया तो बैक बोन टूट गई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों के घर में कई जगहों में तो मैंने मेजर डिप्रेशन सुसाइड तक भी देखी है ऐसे वाली प्रॉब्लम्स गलत डिरेक्शन्स के अंदर कॉर्नर या टी पॉइंट होने से फ्रीकुंटली आती है और ऑडियर्स में ज़्यादा आएंगी घर बनाने के तीसरे साल पाँचवें साल सातवें साल ग्यारहवें साल इससे ऊपर आप टोगे नहीं नंबर्स का का क्या हिसाब रहता है कौन सा नंबर प्लॉट हमारे लिए अच्छा रहता इस है इसमें मैं थोड़ा सा भिन्न हूँ बाकी चीजों से नंबर कोई बुरा नहीं है लोग आठ नंबर को खरीद ही नहीं रहे आजकल पता नहीं क्यों सस्ते हो गए तो मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ सस्ता है एक बार कल हम विजिट करते हैं ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हाँ इन जनरल में ट्रेड जरूर आपको मिल जाएगा जो भी तेरह नंबर के घर है चालीस नंबर के घर है ऐसे घरों के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली रेनोवेशन जरूर दिखेगी और अगर रेनोवेशन नहीं हो रही है तो ये अपना इंटीरियर्स फ्रीक्वेंटली चेंज कराते रहते हैं इनको ऐसा वरदान होता है सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कुछ ना कुछ नया सामान लेंगे पुराना फेंक देंगे कभी कमरा रेनोवेट करेंगे ऐसा करते रहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु रिलेटेड होती हैं जब आप विजिट पर जाते हो तो आप देखते हो कि बना बनाया घर में तो आप देख सकते हो लेकिन जब बंजर जमीन होती है बिल्कुल तो उस टाइम पे क्या आप पता लगा पाते हो कि क्योंकि आपको उसकी हिस्ट्री तो नहीं पता कि सालों साल पहले यहाँ पर क्या था कभी कभार अक्सर सुनने में आता है हमारे स्कूल में जोक चलता था राइट हमारा स्कूल जो है ना कब्रिस्तान के ऊपर बना है ठीक है पर कई बार ये सच भी होता है हुँ. कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के पास्ट में क्या हुआ यहाँ सुसाइड हुआ या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया किसी को दफना दिया यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर यू uh, नो you know, कब्रिस्तान हुआ करता था एक जमाने में तो क्या आप ये चीजें अच्छा तो की बात करें तो बिल्कुल भूमि जो है वो मृत भूमि जीवित भूमि उपजाऊ भूमि या वो फलित भूमि आपके लिए रहेगी ये वहां पर चक्कर लगाती आप उसके और को फील कर लेते हैं आप भूमि को चार्ज करते हैं उसके बाद आप उस घर के ऊपर निर्माण करते हैं इससे आपका घर भी फूलता है और ज़मीन के अंदर आपको ताकत नज़र आती है बहुत सिवियर केसेस में मैं बहुत कम केसेस के अंदर मैं लैंड लेने से मना कर देता हूँ कि इसका क्योर पॉसिबल नहीं है तो इसको छोड़ना ही बेहतर है आपको आपने ये बात बोली तो मैं थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड देता हूँ सो आई वॉज इन टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस मेरे फादर आज भी कंस्ट्रक्शन करते हैं मैं नहीं करता अब क्योंकि मुझे लगता था कि हम वास्तु के अगेंस्ट घर बना रहे हैं क्योंकि लैंड इतना महंगा हो गया और मैं ही घर बनाऊं और बाद में मैं ही अपना कार्ड दिया हूँ कि परेशान होकर मेरे पास आ जाना तो मेरी कॉन्शियस ने मुझे अलाउ नहीं किया क्योंकि मैं खुद बड़ा परेशान होके आया था तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ये परमात्मा मेरे से कभी किसी का गलत मत करवाना तो मैं अब नहीं करता तो हमारे वहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी डीलर बहुत फेमस थे कि जो भी इनके ऑफिस में जाएगा ना वो वही डील करके आएगा जो वो चाहते हैं दिस मच काइंड ऑफ एन हिप्नोटिज्म स्टिल अभी भी है वो हिप्नोटाइज करके अपने ऑफिस में करते हैं कभी भी अपने ऑफिस में मीटिंग करेंगे ना हमेशा पीछे ले जाएंगे और पीछे कमरा बना रखा है ग्रीन कलर की छत डाल रखी है तो मेरे को ना कुदरती परमात्मा ने कैसी देन रखी कि मैं इजीली हिप्नोटाइज नहीं होता और ना ही मेरे ऊपर कोई एनर्जी का इतनी जल्दी इफेक्ट आता है तो मैं अभी रिसेंटली आपको तीन साल पहले की बात बता रहा हूं मैं अपने फादर के साथ ऐसे ही देखने गया कि आप नया क्या ले रहे हो तो जब मैंने देखा कि उन्होंने लैंड लिया ईस्ट फेसिंग प्लॉट बेस्ट लोकेशन चौड़ी सड़क मैंने उनको बोला कि ये मत इसको एज इट इज भेज दो ये कंस्ट्रक्ट मत करो हैं कंस्ट्रक्ट मत करो ये तो रसगुल्ला हाथ में लगा है झट से बिकेगा नहीं माने मैंने तीन चार बार बोला ये गलती मत करो तो उन्होंने मेरा इतना मानने के बाद उसको पार्टनरशिप में कर लिया कि चलिए इतनी बार बोल रहा है तो उसको पार्टनरशिप में कर दें छोड़ा फिर भी नहीं अब मानेंगे बंदे आज तीन साल हो गए उसका एक फ्लोर अभी तक नहीं बिका है मैंने उनको ये बात बोली थी कि घर नहीं बिकेगा ये कौन बता रहा था कंस्ट्रक्टर तो था ही नहीं उसकी लैंड वो व्यवसाय के लिए नहीं था शायद अगर कोई अपना घर बनाने के लिए जाता है मैं तो उसको मना ना करता क्या बना लीजिए अब तीन साल में एक बिल्डर के वे में सुनिए उनको क्या ही प्रॉफिट मिलेगा उनको तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा उतना पैसा तो लग गया ब्लॉक हो गया तो क्या ही पैसा मिलेगा आपको तो एक व्यवसाय के वे में वो भूमि जो है उसकी एनर्जीज उसकी ऊर्जाएं बता नहीं रही थी इसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में आप उसको फॉलो कर सकते हैं आप एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली आप स्वर साधना के थ्रू झट से बता सकते हैं कि ये भूमि डोमिनेटेड किससे है कौन सा एलिमेंट इस पर डोमिनेट कर रहा है दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड द बेस्ट वे टू जज कि ये भूमि का एलिमेंट क्या है और मान लीजिए वो तत्व आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली या अर्निंग ऑफ द फैमिली है उसके अगेंस्ट है मान लीजिए भूमि जल तत्व की है और वो जहाँ तक अग्नि तत्व का है तो वो घर कभी उसको फलेगा ही नहीं आ, एक छोटा सा सवाल मैं बीच में करना चाहूँगा बिफोर मैं आप आ, आगे बढ़ूँ आपने कहा था कि जो अर्निंग हेड अर्निंग हैंड ऑफ़ द फैमिली होता है या हेड ऑफ़ द फैमिली होता है या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो उसमें आप किसकी कुंडली देखते हो जब आप घर परचेज करने वाले होते okay. हो ओके सो देखिए जनरली उसके अंदर हम उसमें देखते हैं जो कि मेनली अर्निंग हंड ऑफ द फैमिली है या जिसका ज़्यादा पैसा लगा है और उसके बाद जितने अगले अगले फैमिली मेंबर्स भी अर्निंग है भाई फादर भी अर्निंग है और दोनों बेटे या बेटी भी अर्निंग है तो ऐसे केस में हम कुंडली तो मेनली उन्हीं के देखेंगे और बच्चों की कुंडली के हिसाब से उनको कमरा कंस्ट्रक्शन फ्लोर वाइज कंस्ट्रक्शन कौन सा फ्लोर कई लोगों को सेकंड फ्लोर बिल्कुल सूट नहीं करता है सेकंड फ्लोर राहु होता है जानते हैं आप सेकंड फ्लोर इज राहु तो कई लोगों को वो बिल्कुल मना कर देता हूँ कि अपने ये वाले बच्चे को ये वाला मत देना बेटी के लिए वाला मत रखना तो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन हो जाता है इसके बाद जो मैं आपसे सवाल करने वाला था वो ये था कि कई बार जैसे मैंने आपको बोला कि एंटिटीज रही होती हैं या किसी को दफनाया होता है एमिटी में जो नोएडा में एमिटी है उसके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स थोड़ा फैकल्टी खुद वहाँ पर पूजा करवाती है uh, यज्ञ चलता है ट्वेंटी फोर सेवन वहाँ पर बिकॉज उसकी एक बिल्डिंग कहा जाता है कि कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है तो वहाँ पर ट्वेंटी फोर सेवन यज्ञ चलता है तो क्या ये उपाय होते हैं कि डेफिनेटली uh, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ एक हमारे बहुत अच्छे यंग एक लड़का था जो पैरानामल एक्टिविटीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था अगर आपने केस सुना हो तो द्वारका के अंदर वो एक अजीब से तरीके में उनकी डेथ हुई जो कि बताया जाता है बहुत ज़्यादा क्लियर आ ही नहीं पाया कि वो उनकी मृत्यु कैसे हुई बाथरूम में ही उनकी उनका शरीर मिला खुद के हाथों से गला दबा के ये लगभग नामुमकिन क्रिया है आप खुद से अपना गला कभी नहीं दबा पाएंगे आपकी जो माइंड होता है वो एक पॉइंट पर आके खुद ही छूट जाएगा एंड ही वॉज़ नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर वो रिसर्च कर रहे थे और उनकी रिसर्च कहीं गुना ज़्यादा आगे बढ़ गई और उनके साथ ये घटना हो गई तो डेफिनेटली ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या आपने गलत जगह पे घर बना लिया या बहुत जगह गलत जगहों पे जाते हो तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज और ऐसी ऊर्जाएं काम करती हैं रेमेडियल प्रोस्पेक्ट में जैसा मैंने बोला क्ले मैन के लिए दुर्गा कवच को धारण करना चंदी चलीसा पढ़ना चंडी चलीसा भी बहुत पावरफुल है ये एक बहुत अच्छे मीडियम्स हैं लेकिन जिनका जैसा आपने केस बताया जो सिवियर केसेस हो जाते हैं उनमें स्पेसिफिक क्रिया करनी पड़ती है जहाँ पर नित्य नियम कीर्तन हो यज्ञ हो मंत्र उच्चारण हो वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाओं की शक्ति बहुत कम हो जाती है जहाँ परमात्मा का नाम है जहाँ ठाकुर खुद आ गए जहाँ स्वयं श्री कृष्ण आ गए तो वहाँ पर आपकी खुद की ऊर्जा और आपकी खुद की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है दूसरा इसका एक तरीका और भी होता है कि ऐसी जगहों पे लगभग छह फीट आपको मिट्टी जो है वहाँ की खुर्द उठवा देनी चाहिए जितना भी बड़ा प्लॉट हो खर्चा पड़ता है लेकिन छ फीट मिट्टी वहाँ की उठवा दीजिए उसकी जगह पे पावन मिट्टी वृंदावन से ला या जो भी आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से कहीं पावन स्वच्छ अच्छी मिट्टी ला डालिए और उसके बाद आप वहाँ पर गंगा जल गाय के गोबर से वहां पर लेप लगाइए ओवरनाइट उसको वहीं छोड़िए और नेक्स्ट डे एक पूरे विधि विधान से राहु मुख का विचार करते हुए भूमि पूजन के साथ आप अपना ग्रह आरंभ कीजिए सर बहुत सारी बातें हो गई बट आप मुझे ये बताओ कि क्या वास्तु से पैसा कमाया जा सकता है और क्या वास्तु से पैसा गवाया जा सकता है ओ वेरी गुड सो हंड्रेड परसेंट आप वास्तु से पैसा कमा सकते हैं और टू हंड्रेड परसेंट आप वास्तु की वजह से पैसा गवा सकते हैं वास्तु है क्या बंदित वास्तु इज वंदित तू वास करता है इनर्जीज ऑफ दैट एरिया उसके अंदर ये माइक भी आएगा मैं भी आऊँगा ये टेबल भी आएगा सारी सब जगहों की एनर्जी जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं तो आप क्या नाइट क्लब में जाके मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं वहां पर आप जाके क्या परमात्मा का ध्यान लगा सकते हैं क्यों हमारे ऋषि मुनि पर्वतों पे जाते थे क्यों वो एकांत जगह महसूस करते थे क्यों भ्रम मुहूर्त को बोला जाता है रीजन बींग वी आर कैचिंग द एनर्जीज वास्तु का सारा खेल ही आप जानते हैं ना वास्तु कहां से मिला है स्थापत वेद वास्तु का सारा खेल ही बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जीज आई है तो इतनी देर से बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट से एनर्जीज आती हैं साउथ वेस्ट में एक्यूमुलेट होती हैं तो वास्तु इज कंप्लीटली जी एनर्जीज जो भी आप काम कर रहे हो जैसा भी आप काम कर रहे हो आप उसके हिसाब से उस माहौल को क्रिएट करो जो कि हेल्प करेगा टू रन यू विद अ गुड स्पीड मान लीजिए आज हम फरीदाबाद में बैठे हैं और हमें वृंदावन जाना है सारी इस हाईवे रोड को तोड़ दीजिए क्या आप सौ की स्पीड जा पाएंगे नहीं क्या आप दो घंटे में वृंदावन पहुंच पाएंगे वास्तु क्या है एटमोसफेयर को अच्छा कर दीजिए अच्छे से रोड्स बना दीजिए सारे एक्सप्रेस बना दीजिए तो आपको जाने में भी मजा आएगा एट ईज आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे दिस रिलेट्स टू ईच एंड एवरी

ऐसा होता है ना कि कभी चार छः महीने आप लोगों की हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुआ अचानक से बोले समझ नहीं आ रही क्या हुआ मेरी दिवाली के दिन इतनी सेल हुई इतनी सेल हुई कि मैं ओवर खुश हो गया और उस खुशी के कारण अगले दिन तो हम छुट्टी रखते थे मैंने दो दिन की छुट्टी दे दी टू ऑल माई एम्प्लॉयज़ लेडीज़ सूट का काम है उनका रजौरी गार्डन मेन मार्केट में तो बोले मैंने दो दिन की छुट्टी दे दी मैंने दो दिन की छुट्टी दे दी उसके बाद जब हम दुकान पे आए हैं आज दो साल हो गए हैं दिवाली छोड़िए नॉर्मल डेज के अंदर कहीं कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि बोनी भी नहीं होती छुट्टी देने की नौबत ही नहीं है क्योंकि आठ में से छह घंटे तो हम छुट्टी पे ही होते हैं क्लाइंटिया ना बंद हो गया और आप मानेंगे ये क्यों हुआ था उन्होंने कोई सर्टन लेवल की रेनोवेशन कराई थी अपनी शॉप में दिस इज द इफेक्ट ऑफ वस्तु दोबारा वो दिवाली ही नहीं आई आपके पास इतने एग्जाम्पल्स हैं आप खुद ऑब्जर्व करो ना दिस इज थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रेनोवेट करने के बाद बिल्कुल बैठ जाते हैं कहीं बहुत चल जाते हैं ये एनर्जी जहां डिसबैलेंस हो जाएगी उस काम के प्रति तो आपको सूट नहीं करेगी वन ऑफ दी कॉमन मिथ तोड़ता हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग वॉशरूम इन दिस एस एस डब्ल्यू जोन जो कि आजकल मिलता है साउथ south और साउथ वेस्ट के बीच में अगर आप वॉशरूम बनाओ तो इट इज अलाउड एंड गुड फॉर एवरी बट अगर आप किसी कला की फील्ड में हैं एक्टर हैं एक्ट्रेसेस हैं, या किसी भी टाइप के कला से जुड़े आप यहाँ पर टॉयलेट बना दीजिए आपको रोल मिलने बंद हो जाएंगे ही हो जाएंगे Confirmed है, अपनी कला खुद को ही दिखाइएगा कोई देखने वाला ही नहीं रीजन बिंग बिकॉज ऑफ दिस तो आपको अपने काम के सबसे उसको अलाइन करना है क्या है ना अब आप मुझे बताओ कि पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या देंगे आप तो सबसे पहले इस साल पैसा कमाने के लिए जितनी भी वाइफ है सब अपने हस्बैंड को नॉन राइड का पर्स गिफ्ट कर दें और हस्बैंड उसी पर्स में ही पैसा अपना रखे अपने जनरल यूज में उसी पर्स को काम में लेके आए फिर देखे धन की वर्षा हंड्रेड परसेंट इस साल होने वाली है यूज तो आप भी करेंगी तो इस साल आप यह गिफ्ट अपने हस्बैंड को जरूर दें ऐसा क्यों सिर्फ ये नॉन लेदराइट ही क्यों लेदराइट परसेस बहुत सारे लोगों को एक फ्लैट लेवल पे सूट नहीं करते हैं लेदर जानवरों को मरने से बनाया जाता है जिसका शनि खराब होगा देखो मैं ना जनरली कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई जनरल रेमेडीज भी दे रहा हूँ तो वो किसी का नुकसान ना करे है ना फायदा थोड़ा सा कम कर देगी फ़ायदा तो करेगी थोड़ा कम कर दे चलेगा लेकिन नुकसान ना करे अब आपके मन में ये चीज़ है कि क्या हम पैसा कैसे कमा सकते हैं कितना कमा सकते हैं उसके लिए राइट टाइप ऑफ अ प्रोफेशन जो आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है अलोंग विद राइट लेवल ऑफ एनर्जी एंड विद लिटिल बिट ऑफ अ मंत्र एंड स्पिरिचुअलिटी जो आपके मन को शांत करने के लिए चाहिए एंड साथ में फ्लेवर ऑफ वास्तु अगर आप इनका मिश्रण बना लें तो मेरे ख्याल से कायनात आपकी मुट्ठी में होगी जो चाहोगे वो मिलेगा सर हम लोगों ने इतना सब कुछ डिस्कस किया स्टार्टिंग फ्रॉम एंटिटीज ठीक है जो आपका एक्सपीरियंस रहा बिकॉज वो बहुत ज़रूरी था शेयर करना मैं अक्सर अपने चैनल पर एंटिटीज की बातें करता हूँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं बट आपने जो मिथ तोड़ा कि एनकाउंटर हो तो ठीक है मान लेना नहीं हो तो वेट करो है ना वहाँ से लेकर उसका वास्तु से कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन कुछ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं तो इसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अगर तो एक लाइन uh, में अगर आप ऑडियंस को कंक्लूड करना चाहो तो आप कर सकते हैं सो so, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ हैबिट्स अपनी डेली रूटीन में डाल लीजिए रात को सोने से पहले ऑलवेज वॉश योर फीट एंड देन गो टू स्लीप ऑलवेज स्प्रे लैवेंडर लैवेंडर स्प्रे इन योर रूम हमेशा स्प्रे कीजिए हमेशा रोज दिन में एक बार मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिए एंड ट्राई टू नॉट वेयर टो फुटर फटे हुए जूते चप्पल थोड़ा सा अगर आप ये चीजें अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ले आते हैं फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। सो इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर कमिंग जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण गॉड ब्लेस ऑल ओके बंदित जी ध्यान रखिएगा। थैंक यू